पूरे देश को हिला कर रख दिया, और वो है सिंधुरक्षक का डूबना, सिंधुरक्षक के ऊपर आग लगनी, भारतीय नौसेना को बहुत बड़ा करारा झटका लगना। तो ये जो है सिंधुरक्षक के ऊपर के जो लोगों के साथ क्या हुआ होगा, ये तो जानना स्वाभाविक है कि लोग, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि जहां धातु पिघल गया है वहां जो इंसानियत बदन है उसका क्या हुआ होगा। तो ये जो सिंधुरक्षक के मामले में जो हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ? देखिए, एक उस वक्त का आपने मुझे आज समय भेजा जी, उसका मैंने एक अध्ययन किया, निकाला गोचर निकालने के बाद सप्तम नवम दसम स्थान को जब हमने हृदय को देखा, नेवी के हृदय को देखा, तो डेफिनेटली वो जो हृदय था उसमें एक बम दिखाई दिया, केतु दिखाई दिया। मित्रों हमारी, मैं ये बार बार, पिछली बार आपके 3 शोज में ये कहते आया हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। हमारे घर पर आकर हेडली जैसा आदमी रुक जाता है और बहुत बड़ा ताज के ऊपर प्लान कर जाता है, मैं कहीं भी ये बात मानने को तैयार नहीं है हूँ कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि कुंडली के हिसाब से एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की धरोहर के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे कहने को संकोच होता है और शर्म आती है कि कहीं ना कहीं ये घटना नहीं थी, ये दुर्घटना नहीं थी, ये कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन का एक प्रहार था जिसको हमने दरकिनार नहीं करना, चाहे आप इसको दबा दें। मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं लेमन न्यूज़ के माध्यम से और पूरे राष्ट्र के माध्यम से कि चाहे आप इस बात को दबा दें मगर इस बात की तह तक जाकर दुश्मन को चने जरूर चखाएं, दुश्मन के दांत खट्टे जरूर करें, क्योंकि हमारे घर पर आकर एक आदमी ताज के ऊपर प्रहार कर जाता है और उसके साथ में 25 मीटर दूर सिंदूर रक्षक खड़ी हुई है, उसके ऊपर प्रहार कर जाता है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। कुंडली के हिसाब से, लगन के हिसाब से, सप्तम के हिसाब से, नवम के हिसाब से ये डेफिनेटली एक दुर्घटना नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा। लेकिन पंडित जी, ये सिंधुरक्षक के मामले में शुरू से ही, इसके पहले विशाखापट्टनम में इसके ऊपर स्पोर्ट हुए थे, इसके मेंटेनेंस जो है अप्रैल में करके इसे वापस लाया गया था, ये अब जाने थे अपनी सफर पर, अपने मिशन पर, तो ये सिंधुरक्षक के साथ ही योग बने थे या क्या हुआ था? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ऐसा है कि संयोग है, एक संयोग कह सकते हैं। आप हैरान होंगे, पंजाब में एक स्टेशन है आदमपुर, एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर 4 लोग पकड़े गए थे, जो कि एक साइकिल रिपेयर वाला पकड़ा गया, एक कैंटीन में काम करने वाला पकड़ा गया। हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं, कभी कभी हम लोग ढील दे देते हैं। आप एक बात देखिए, 9/11 के बाद अमेरिका में आपको कुछ दिखाई दिया जी? क्योंकि हम अंदर से यूनाइटेड नहीं है, हम अंदर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, हम आपस में ही एक दूसरे के ऊपर छींटे उछालते रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर भी राजेश जी, ये तो बात छोड़िए, उसके ऊपर भी हमारे कुछ नेतागण, हमारे कुछ महारथी ऐसे हैं जो इन चीज़ों को सिंसियरली नहीं लेते हैं, उनको सिंसियरली लेने की आवश्यकता है। नहीं तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, तस्कर, आतंकवाद, लोभी प्रलोभी, इनका प्रादुर्भाव बढ़ेगा जी।